तिजारा कस्बे के सार्वजनिक विश्राम गृह में तिजारा विधायक संदीप यादव ने जन सुनवाई की। जन सुनवाई कार्यक्रम में विधायक ने सभी विभागों के अधिकारियों को जनता की समस्याओं को सुनकर समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में लोगों ने विधायक से खराब हैडपंप को ठीक कराने और नए हैडपंप लगाने की मांग की। ग्राम माजरा महनिया नया गाँव नोगावा से आए ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में चोरियों की वारदातें बढ़ रही है, जिनकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक चोर पकड़ा नहीं गया है। विधायक ने बताया कि तिजारा कस्बे में जलदाय आपूर्ति की अधूरी पड़ी नई पाइपलाइन का कार्य कई महीनों से बंद है, उसे दोबारा से शुरू कराया जाएगा। जनसुनवाई में नगर पालिका चेयरमैन झब्बूराम सैनी, उपाध्यक्ष हरीश कुमार, जयप्रकाश यादव, प्रीतम दायमा, विनोद यादव, सरपंच दिनेश खामरा, राजेश कसाना, जगन्नाथ गुल्लू यादव, सुरेंद्र जोशी, मुन्नी गुर्जर, धर्मपाल, मनोज सैनी, शिवचरण सैनी, सुल्तान पालीवाल, मंगत राम सहित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हरीश गुप्ता, विकास अधिकारी इंद्राज मीणा, बीसीएमओ डॉक्टर मनोज यादव, सीएससी प्रभारी डॉक्टर रवि प्रकाश मीणा सहित नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग, पुलिस थाना तिजारा सहित विभागों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ये फिर टपुकड़ा की, फिर भिवाड़ी की, वापस से फिर एक बार तिजारा की, और बीच में कोविड की वजह से वैसे तो रेगुलर कार्यालय पे तो मैं रेगुलर जनसुनवाई करता हूँ जब यहाँ रहता हूँ तो, पर ये प्रॉपर अधिकारियों के साथ जो बैठने का कार्यक्रम है, कोविड की वजह से बीच में डिस्टर्ब रहा। अब लगातार हम रेस्ट हाउस में मंथली जनसुनवाई का हम कार्यक्रम रखेंगे, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे और एक दूसरे को ये टाल नहीं सकेंगे। इसके अलावा प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान दोबारा चलने वाला है। प्रत्येक गांव में जाके जन समस्याओं को सुनने का काम भी होगा। और आज की जो सुनवाई थी, इसमें मुझे जो समझ में आया, पुलिस की पेंडेंसी बहुत है, दूसरा जलदाय विभाग की भी कुछ समस्याएं हैं, पीडब्ल्यूडी की भी कुछ समस्याएं आई है, और सबको अभी इन जन सुनवाई में जितनी भी समस्याएं आई है, सभी अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि इन समस्याओं का निस्तारण करके या इनकी जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो मुझे भेजेंगे, और अगली जन सुनवाई में भेजेंगे जब हम बैठे, तो इन समस्याओं का हल निकलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था हमने की। क्या क्या निर्देश दिए? जैसे अभी बहुत सारी पेंडेंसी, जैसे अभी उच्च अधिकारियों से भी बात की है, पीएचडी में तिजारा में बहुत लंबे समय से काम पेंडिंग चल रहा था, उसका दो बार टेंडर निरस्त हो चुका, अभी कोई सिंगल टेंडर लगा है तिजारा शहर का, तो वो अभी उसकी प्रोसेस चल रहा है, जल्दी ठेकेदार आएगा, उससे काम शुरू हो जाएगा। उसमें मैंने चीफ सेक्रेटरी जो इनके हैं जलदाय विभाग अर्बन, उनसे बात हुई है, और जलदाय विभाग के जो रूरल के उनसे भी बात हुई है, दोनों से जो यहाँ की पेंडेंसी है उनको जल्दी ठीक किया जाए। एक हमारे समस्या है, कुछ एरिया हमारे किशनगढ़ एक्शन के अंडर आता है, तो जो वहाँ से जो लाइन चल रही है उसको भिवाड़ी एक्शन के अंडर में लिया जाए। एन जो ऑफिस है तिजारा, इसको भिवाड़ी एक्शन ऑफिस में ये हम प्रस्ताव यहाँ से भिजवा के मैं मेरा लेटर भेजूँगा, ताकि हमारे लोगों को दूसरी जगह नहीं जाना पड़े और समस्याओं का जल्दी।